राइट सो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन कोर्ट की बात ना माने, कोर्ट की बात इन द सेंस कोई ऑर्डर ना माने, कोई डिक्री ना माने, कोई जजमेंट ना माने, तो क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. जस्ट अ यंग गन विद द क्विक फ्यूज. आई वाज अपटाइट, वांट टू लेट लूज. आई वाज ड्रीमिंग अ बिगर थिंग्स एंड वांट टू लीव माय ओल्ड लाइफ बिहाइंड. Okay, तो आपको बता दें कि अगर कोई पर्सन कोर्ट की बात ना माने तो हमारे पास एक प्रोविजन है लॉ में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स, यानी कि कोर्ट की अवमानना करना. यह है दो तरह का होता है, एक सिविल एक क्रिमिनल. सिविल वो होता है जिसमें फैमिली केसेस होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, जैसे कि सेक्शन 9 का हो गया, या फिर कोई डिस्प्यूट होता है लैंड से रिलेटेड, कोई जमीनी विवाद होता है, तब वो होता है सिविल. क्रिमिनल वो होता है जैसे कि मर्डर, जो काफ़ी सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, बट इट उसको क्रिमिनल में कंसीडर किया जाता है. जैसे कि मर्डर, रेप, चोरी, थेफ्ट, जो भी है, ये सारा वो क्रिमिनल में होता है. गॉट इट. तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीने तक की सज़ा का प्रोविज़न है कि अगर कोई पर्सन कोर्ट की बात ना माने और ये वहाँ पर प्रूफ हो जाए कि इसने कोर्ट की बात नहीं मानी या फिर इसने कोई जो डिग्री पास की उसका पालन नहीं किया, तो उसे 6 महीने की सज़ा हो सकती है और मैक्सिमम जो फाइन है वो 2000 तक हो सकता है. गॉट इट. अब प्रोसीजर क्या है इस चीज़ का, तो प्रोसीजर ये है कि जिस पार्टी के फेवर में कोई डिग्री पास हुई है और दूसरी पार्टी उसको नहीं मानती, यानी कि उसको अमल में नहीं लाती, उसका पालन नहीं करती, तो जिस पार्टी ने फेवर कराया है उसको क्या करना होता है, कोर्ट में एक नोटिस अप्लाई करना पड़ता है कि फिर कोर्ट उस पर्सन को जिसने बात नहीं मानी उसको एक नोटिस भेजा जाता है, तो उसको पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा किया है, या तो वो माफ़ी मांग के सारा मैटर क्लियर हो जाता है. अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो जो निचली अदालत होती है वो उस चीज़ को, उस मैटर को हाई कोर्ट भेज देती है. फिर वहाँ पर AG, एडवोकेट जनरल, जो उस स्टेट का लीगल एडवाइज़र होता है, उसके पास मैटर जाता है, तब उस पर्सन की उसको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का. अगर वो वहाँ पर गिल्टी हेल्ड होता है कि हाँ भाई इसने हमारी कोर्ट की बात नहीं मानी, कोर्ट की मान मर्यादा का अपमान किया है, तो उसे 6 महीने तक सज़ा हो सकती है. गॉट इट. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. तो इस वीडियो का मॉरल यही है कि कभी भी आप ऐसी हरकतें ना करें जो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़े. ये ज़रूरी नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यही चीज़ें आती हैं कि बात ना मानना, काफ़ी चीज़ें आती हैं वैसे कि कोर्ट में कुछ लापरवाही करना या फिर कुछ भी ऐसा करना, बट अगर कोई कोर्ट का आदेश ना माने तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अप्लाई होता है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.